मैं माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 1 करोड़ मेरा पैकेज था उस टाइम पे। आज मुझसे कोई पूछता है कि भैया कौन सी जॉब, कौन सी प्रोफाइल ज्वाइन करो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूआई डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, वेब डेवलपर, इन प्रोफाइल्स पे जाओ, रिएक्ट सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, ये सब बहुत हाई पेइंग और बहुत सारे जॉब्स हैं इसके। तो लोग कहते हैं कि भैया बाकी लोग तो एआई कहते हैं, बैकएंड बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, आप बोलते हो कि फ्रंटएंड के जॉब्स ज्यादा हैं, फ्रंटएंड में पेमेंट ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है? आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखो यार, पहली चीज तो ये कि जो बैकएंड वाले हैं, डीएसए वाले हैं, वो कहते हैं कि यूआई ना बहुत सिंपल है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है। असली इंजीनियर तो बैकएंड वाला इंजीनियर होता है। तो वो ऐसा इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्होंने उतना काम नहीं किया है। अब जैसे मैं अगर बैकएंड वालों को ये कह दूं कि अरे बैकएंड वाले क्या ही करते हैं, रेस्ट एपीआई तो लिखते हैं 4, और वो तो क्रेड कोई बना देता है। आज के टाइम पे तुम जैंगो को बस अपना डेटा मॉडल दे दो तो वो क्रेड एपीआई बना के दे देता है, तो बैकएंड की तो जरूरत ही नहीं है। फायरबेस है तो बैकएंड की तो जरूरत ही नहीं है। तो बैकएंड वालों को कैसा बुरा लग जाएगा कि अरे हम क्या बस इतना ही करते हैं? तो जो लोग फ्रंटएंड में करते हैं वहां भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे एक फ्रंटएंड ऐप में बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको सिर्फ एक ऐप, एक बटन तो बनाना नहीं है, उसके साथ 500 स्टेट मेंटेन करने हैं, 500 पेजेस बनाने हैं, उन पेजेस के अक्रॉस स्टेट्स मेंटेन करने हैं। टूलिंग अभी भी बहुत इवॉल्व कर रही है फ्रंटएंड की, तो आपको क्या लगाना है, नेक्स्ट लगाना है, वेब पैक लगाना है, क्या लगाना है, वो भी देखना पड़ता है। और उन सबके अपने अपने चैलेंजेस भी होते हैं कि इनमें हम परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करें। परफॉर्मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग डीएसए पे इतना जोर देते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में इतना, हम इतना सेकंड बचा लेंगे, इतना फास्ट लिख देंगे कोड को, उनको मैं ये बताता हूँ, आप भी मानोगे इस बात को, कि आज के टाइम पे बैकएंड में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। वहाँ पर स्कोप कम होता जा रहा है, लाइब्रेरीज और टूल्स अच्छे खासे मच्योर हो चुके हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ्रंटएंड में ऐसा नहीं है। तो फ्रंटएंड में आपको एवरी आउंस ऑफ परफॉर्मेंस के लड़ना पड़ता है। आप पूछोगे भैया परफॉर्मेंस क्या है, जब तुम कोई वेब ऐप खोलते हो तो उस वेब ऐप को खुलने में अगर मान लो 4 सेकंड लग गया तो क्या तुम बैठे रहोगे? तुम ऐसे सोचो 1, 2, 3, 4, 50% से ज्यादा यूजर 4 सेकंड से ज्यादा वेबसाइट खुलने का वेट नहीं करते हैं। 3 सेकंड के बाद बहुत सारे यूजर चले जाते हैं। इसीलिए आपको एक वेब ऐप को बहुत फास्ट करना होता है। और जब आप वेब ऐप से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे कि स्पॉटिफाई, अगर तुम स्पॉटिफाई पे गाना बजाने जाओ और गाना को बजने में 10 सेकंड लग जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? क्या तुम इंजॉय कर पाओगे गाने को? तुम लोग अरे यार म्यूजिक सुनने का मन है और ये चेंज ही नहीं हो रहा। हर वेब ऐप को रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। फर्स्ट लोड टाइम ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और यही नहीं, आज के टाइम पे वेब ऐप में और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं थोड़ा और समझते हैं वेब ऐप में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक पेज तो होता नहीं है। पहले के वेब ऐप्स में क्या होता था, आपने एक पेज पे क्लिक किया, फिर वो वाइट स्क्रीन आएगा, फिर ऐसे 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 लोड करेगा, फिर दूसरा पेज आएगा। अब ऐसा होता नहीं, अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं, सारा का सारा ऐप आपके पास आता है, तो आप सारा का सारा ऐप भी एक बार में नहीं भेज सकते। तो आपको क्या करना होता है, पहला वाला पेज भेजेंगे, दूसरा वाला पेज जो है जहां यूजर जाएगा इसके बाद उसको साइलेंटली डाउनलोड कर लेंगे, उसको कहते हैं लेजी लोड करना। ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो परफॉर्मेंस की तो बात हो गई, इसके अलावा कितना कुछ है। आपको एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, जो बैकएंड में बिल्कुल नहीं रखना पड़ता। बैकएंड के एपीआई फ्रंटएंड कॉल करता है, कोई सर्विस कॉल करती है। फ्रंटएंड में आपके यूआई को सिर्फ आप तो यूज नहीं करते, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। दुनिया में 8 में से 1 इंसान को एक एक्सेसिबिलिटी इशू है, या तो उसको कलर दिखाई नहीं देते, या उसको दिखाई नहीं देता, पार्शियल हियरिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं। उन इश्यूज के अराउंड भी आपको ऐप को डिजाइन करना पड़ता है, जो कई सारे लोग यूज करते हैं, और ये भी एक फ्रंट एंड डेवलपर को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए परफॉर्मेंस की बात हो गई, एक्सेसिबिलिटी की बात हो गई, इतना ही नहीं सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। जितने अटैक्स होते हैं, अधिकतर अटैक्स फ्रंट एंड से होते हैं, मच्योर नहीं है इकोसिस्टम, तो बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, और एक एक चीज को उठाकर देखते रहना पड़ता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी तो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, हम उसके बारे में डीप में कभी बात करेंगे। लेकिन दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि फ्रंट एंड तो कॉम्प्लेक्स है, ये हमने बताया। सेकंड है कि बैक एंड में जॉब्स क्यों कम हो रही हैं। बैक एंड में जॉब्स इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि बैक एंड का काम काफी ज्यादा ऑटोमेट होता जा रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर अगर एक छोटा सा स्टार्टअप, बड़ा सा स्टार्टअप एक डेटाबेस यूज करना चाहता है तो वो अमेजोन का रेडीमेड डेटाबेस यूज कर सकता है, वो अजर का कॉस्मोस यूज कर सकता है, और छोटे लेवल पे लोग फायर बेस यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे अपने स्टार्टअप में हम सुबह बेस यूज करते हैं, कई सारे स्टार्टअप एटलस मोंगोडी भी यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि आपको बैकएंड बना बनाया मिल जाता है, जिसको कहते हैं बास। बास मतलब बैकएंड एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस बहुत सारे हो गए हैं। तो इसलिए आपको फ्रंटएंड डेवलपर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है, और ऐसे फ्रंटएंड डेवलपर जो इन बास को यूज कर सकते हैं उनको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। फुल स्टैक का पहले मतलब था कि आप बैकएंड बहुत अच्छा कर सके और फ्रंटएंड थोड़ा अच्छा कर सके, बट पिछले 10 सालों में इसमें फ्लिप आ गया है।
अब आप फ्रंट एंड अगर बहुत अच्छा कर पाते हैं और बैक एंड थोड़ा कर पाते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो जाते हैं, और इन रोल्स की बहुत डिमांड होती है स्टार्टअप्स में भी और SMB में, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस में भी काफी डिमांड है इन रोल्स की। तो बैकएंड क्या हो रहा है, ऑटोमेट होता जा रहा है, बैकएंड के सर्विसेज, बैकएंड के पैकेजेस ऑटोमेट होते जा रहे हैं। आज आपको अगर एक बैकएंड चाहिए, आप 5 से 10 मिनट में एक बहुत अच्छे लेवल का बैकएंड बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही चीज फ्रंट एंड में चाहिए तो आपको वो करने के लिए काफी सारा टूलिंग सेटअप करना पड़ेगा, काफी सारा फ्रंट एंड जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड का डिमांड भी बढ़ गया है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। तीसरा पॉइंट, आज के टाइम पे दो ऐप के बीच का डिफरेंशिएशन उसके बैकएंड से नहीं होता, उसके फ्रंट एंड से होता है। उसका UX कितना साफ है, कितना अच्छा है, कितना फास्ट लोड होता है, कितना जल्दी लोड होता है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कितने कम टाइम में वो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन चला जाता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। मैंने भी काम किया है टीम्स में, आउटलुक में, इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। सर्विस कहते हैं हम लोग बैकएंड को, वहाँ पे सर्विस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता था कि हाँ ये सर्विस को और फास्ट होना चाहिए, लेकिन वो टूल्स काफ़ी मच्योर हो चुके हैं, जितना हो सकता है वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। फ्रंट एंड में ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि नया फील्ड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी कम है। तो क्या होता है, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है मैं आपको आखिरी पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कैसे कम है, ना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ना इसके पढ़ने के बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं, ना इसकी डिमांड आपको आपके भैया दीदी बताते हैं, क्योंकि आप कौन से वीडियोस देखते हैं कि Tier 3 कॉलेज से 40 लाख का पैकेज कैसे लगा। लेकिन जो असली जॉब्स हैं, इतने सारे जॉब्स हैं फ्रंट एंड के, इतने हाई पेइंग जॉब्स हैं, उनके बारे में आपको लोग बताते नहीं है। तो अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी के कारण इसके जॉब्स और भी ज्यादा है। इसी पर ही अगला पॉइंट आता है कि बहुत सारे भैया दीदी और सीनियर लोग कहते हैं कि असली इंजीनियरिंग तो बैकएंड है, फ्रंट एंड में तो कुछ है नहीं, अरे एक बटन लगाना कोई इंजीनियरिंग है क्या। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, हमने बात की कॉम्प्लेक्सिटी की। आप जब ये सब देखते हो, आप सोचते हो कि अरे फ्रंट एंड तो नो कोड टूल से रिप्लेस हो जाएगा, फ्रंट एंड का क्या है भैया, वेबसाइट के तो थीम फॉरेस्ट पे इतने वेबसाइट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट बेटा देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है, आप वेब ऐप बनाते हो। ऐप और साइट में अंतर है। 1980 में लोग वेबसाइट बनाया करते थे, 1980s में, 1990 से 2000 में लोग वेब ऐप बनाना शुरू कर चुके थे, और 2000 के बाद तो सब वेब ऐप ही बनाते हैं। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े ऐप तुम यूज करते हो डेस्कटॉप पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े ऐप तुम डेस्कटॉप पे यूज करते हो, चाहे वो Spotify हो, Teams हो, Slack हो, Figma हो, ये सब के सब वेब ऐप्स हैं, ये वेब ऐप पैकेज हो गए हैं डेस्कटॉप ऐप की तरह। तो सोचो कि डिमांड कितना ज्यादा है। तो आज के टाइम पे डेस्कटॉप ऐप भी वेब ऐप ही है, इतना ही नहीं मोबाइल ऐप्स भी जो बन रहे हैं वो भी इन सेम टेक्नोलॉजी से बनते हैं, उसमें भी तुम CSS से स्टाइलिंग करना शुरू कर दियो। तो सोचो कितना वाइड स्कोप है, एक तो तुम वेब पे छाए हुए हो, वेब तो है ही है, मोबाइल पे छाए हुए हो और डेस्कटॉप पे भी छाए हुए हो। इतना ज्यादा इस चीज का डिमांड है कि माइक्रोसॉफ्ट में मैंने खुद कई सारे C++ इंजीनियर्स को वेब यानी रिएक्ट में ट्रेन किया हुआ है, और वो सब जो पहले जो आउटलुक की टीम थी जो C++ में आउटलुक लिख रही थी, उसको अब वेब में रिएक्ट में आउटलुक लिख रहे हैं वो लोग। समझ रहे हो तुम, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना ज्यादा इस चीज का डिमांड है। वेबसाइट बनाना नहीं है, बिरयानी की साइट बनाना वेब ऐप डेवलपर नहीं होता, शुरुआत होती है वहां से, लेकिन आगे जाकर आप इंटरेक्शंस करने लगते हो, आप स्टेट्स मैनेज करने लगते हो, आप राउटिंग मैनेज करने लगते हो, बहुत सारी चीजें हो जाती है वहां पे। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जॉब्स क्यों ज्यादा है। एक पॉइंट तो ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई क्यों कम है हमने बता दिया, लेकिन फिर इस बात पे बात करते हैं कि डिमांड क्यों ज्यादा है, जबकि नो कोड टूल्स हैं ही, जबकि वेबसाइट बिल्डर्स इतने सारे हैं ही, तो फिर इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है। देखो, वेबसाइट और नो कोड टूल्स एक लेवल तक की कॉम्प्लेक्सिटी को हटा सकते हैं, बट उसके बाद क्या होगा, चलो एक बार हम लोग सोच के देखते हैं। आज के टाइम पे जो बैकएंड बनता है वो एक बनता है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं आउटलुक का। आउटलुक का एक बैकएंड है, उस बैकएंड में 500 APIs हैं। कुछ API बोलती हैं कि ये हमें जितने ईमेल नए आए हैं हमें दे दो, जितने ईमेल अनरेड है हमें दे दो, जितने ईमेल रेड है हमें दे दो, जितने ईमेल स्टार्ड है हमें दे दो, जितने ईमेल फ्लैग्ड है हमें दे दो, पिंड है हमें दे दो, सारे APIs हो गए। अच्छा चलो ये ईमेल भेज दो, ये ईमेल इतने सारे लोगों को भेज दो, यही करते हैं। सिंपल बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये ईमेल सर्च करके बता दो, सर्च एक क्वेरी दिया बता दो, ये सारे APIs बन गए। APIs तो एक बार बनते हैं, है ना, जैसे कभी खुशी कभी गमे बोलता है ना शाहरुख खान की, प्यार तो एक बार होता है, वैसे APIs एक बार बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रंट एंड बनता है, बहुत सारा बनता है। कहाँ कहाँ बनता है चलो एक बार डिस्कस करते हैं। एक आउटलुक ऐप हमें कहाँ कहाँ बनाना पड़ा, मैंने खुद बनाया है, मुझे पता है। पहले एक डेस्कटॉप ऐप है जो डेस्कटॉप पे आप यूज करते हो, उसके बाद एक वेब ऐप है, बड़ा वाला वेब ऐप जो आप outlook.com पे जाओगे तो आपको मिलता है, वही live.com पे चलता है कंज्यूमर साइड में सेम ऐप। उसके बाद एक मोबाइल ऐप है,
iOS का एक एंड्रॉयड ऐप है, उसके बाद आपके एक वेब ऐप और हैं मोबाइल पे जो PWA ऐप है। तो देखो कितना सारा फ्रंट एंड बनाना पड़ गया ना, और बैकएंड कितना बनाना पड़ा, एक ही ना बनाना पड़ा। इसके बाद मैं भूल गया था, इसके बाद आउटलुक ने लो लेवल फोन्स के लिए एक और ऐप निकाली है जो जियो के फोन्स होते हैं, उसका भी बैकएंड सेम है, फ्रंट एंड डिफरेंट है। तो इसी तरह फ्रंट एंड UI वाले टेक्नोलॉजीज के डिमांड बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रीन्स जिस पर आप देखते हैं, आज के टाइम पे आप घड़ी पे भी मेल चेक करते हो, टीवी पे भी मेल चेक करते हो, तो स्क्रीन्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन APIs बैकएंड API तो एक ही रहती है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी जरा सोचो, जिसकी स्क्रीन्स बढ़ रही है उसकी ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, UI टेक्नोलॉजीज, UX वाली टेक्नोलॉजीज, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। और यही रीज़न है जो मैंने कई बार पहले भी कहा है कि यही रीजन है कि अगर आप इसमें गाढ़े घुस जाओगे, अगर आप इसमें डीप हो जाओगे, अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाओगे, तो जब आप इन बड़ी कंपनीज में भी हायरिंग के लिए जाओगे, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, उबर में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो आपके लिए एक अलग ट्रैक होता है, UI ट्रैक ऑफ इंटरव्यू, जिसमें DSA नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब ये बड़ी कंपनीज भी समझ रही हैं कि UI UX में इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक इंसान को DSA भी आए और UX UI भी आए। इसलिए आप इन चीज़ों पर, इन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पर ध्यान दीजिए। ये 2023 या 2024 का सबसे हाई पेइंग जॉब होने वाला है, सबसे हाई डिमांड जॉब होने वाला है। इस पर दुगुनी तिगुनी ताकत लगाकर मेहनत कीजिए और आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। पसंद आया ना वीडियो तो शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कितने मस्त वीडियो बना रहा हूँ मैं।